नगर पालिका पुष्कर के अध्यक्ष रहे कमल पाठक पर लगे आरोपों की जांच करने पहुंची नगर नियोजक की टीम। स्वायत्त शासन विभाग और नगर नियोजक जयपुर की टीम ने किया मौका निरीक्षण। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का नंबर वन प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, ए ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडर्न लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, फ्री एजुकेशन फॉर SC/ST, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप। विजिट आर कॉर्पोरेट ऑफिस नियर सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। नगर पालिका पुष्कर में दो बार अध्यक्ष का पदभार संभाल चुके कमल पाठक पर लगे आरोपों की जांच करने नगर नियोजक जयपुर और स्वायत्त शासन विभाग की टीम बुधवार को पुष्कर पहुंची और मौका निरीक्षण किया। दरअसल पालिका पार्षद ओम प्रकाश डोलिया ने स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल को पत्र लिखकर पालिका अध्यक्ष कमल पाठक द्वारा पद का दुरुपयोग करते हुए अपने परिवारजनों को सरकारी भूमि पर कब्जा करवा और स्वयं द्वारा व्यावसायिक निर्माण में नियमों की पालना नहीं करने पर उन्हें निलंबित करने की शिकायत दी थी, जिस पर विभाग के संयुक्त निदेशक द्वारा टीम बनाकर मौका निरीक्षण किया गया। टीम में उप नगर नियोजक जयपुर राजपाल चौधरी, स्वायत्त शासन विभाग अजमेर की उपनिदेशक अनुपमा टेलर शामिल थीं। जांच टीम ने शिकायत में उल्लेखित संपत्तियों का नाप करवाकर दस्तावेजों की जांच की। टीम का नेतृत्व कर रहे उप नगर नियोजक जयपुर राजपाल चौधरी, स्वायत्त शासन विभाग अजमेर की उपनिदेशक अनुपमा टेलर ने बताया कि मामले में मौका मुआयना कर दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है, जांच के बाद ही तथ्य सामने आ पाएंगे। गौरतलब है कि कांग्रेसी पार्षद ओम प्रकाश डोलिया और भाजपा के दो बार अध्यक्ष रहे कमल पाठक के बीच लंबे समय से राजनीतिक खींचतान जारी है। पूर्व में पालिका अध्यक्ष कमल पाठक द्वारा भी पार्षद पर पद के दुरुपयोग करने के आरोप लगाए जा चुके हैं। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं COVID-19 के मुश्किल दौर में BA, BEd, BSc, BEd, BA, LLB, BPT, BPharma और BTech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। उसके लिए माननीय निदेशक महोदय ने एक संयुक्त टीम का गठन किया और जिसमें हमारे जयपुर से चौधरी जी आए हैं, जिनके पास टाउन प्लानिंग का भी चार्ज है, और ये साथ थे हमारे साथ पारस जी, और वैसे तो एक मेंबर और है जो अधीक्षण अभियंता निदेशालय में लगे हुए हैं, वो आज किसी कारणों से आ नहीं पाए, वो आगे और देखेंगे। तो ये संयुक्त जांच जो टीम है वो अपनी टीम एन साहब हैं जो पुराने हैं काफ़ी, यहाँ पे जो पहले JN भी थे, अभी वर्तमान में AN के पद पे कार्यरत है, ये साथ में थे। वैसे AN साहब को रहना चाहिए था, ये आज आप इसको निर्देशित कर दिया, ये शाम को जाके और वापस सारे मौके देखेंगे। इनकी ये जिम्मेदारी थी आज की, ये साथ में रहती, इतना कोई इम्पोर्टेंट काम यहाँ पे थोड़ी कर रही थी। किस किस मामले में जांच हुई, क्या क्या मौका देकर कहाँ कहाँ देखा? ये पाठक साहब की कोई होटल है मेन रोड पे, उनकी थी, कुछ दुकान वगैरह बना रखी है इनकी, कोई ब्रदर की कोई बिल्डिंग्स है, उसमें आवासीय निर्माण स्वीकृति से संबंधित मामला था, जिसमें कुछ 3 दुकानें पाई गई, ये सारी चीज़ें देखी है अभी, अब रिपोर्ट्स के साथ तो अब मिलान करके। किसने शिकायत की थी? ये शिकायत जो थी वो ओम डोलिया जी के द्वारा थी। मेरे द्वारा और मेरे पार्षदों द्वारा जो शिकायत की गई थी वो ये शिकायत की गई थी कि एक तो इन्होंने जो कमल पाठक ने जो चेयरमैन रहते हुए जो अपना खुद का स्वयं का नक्शा पास कर लिया था, तथा जो होटल बनाई है उसके अंदर जो इन्होंने नक्शा जिस टाइम पास कराया था, तो न तो सेटबैक छोड़ा है और न ही रोड छोड़ा है और न ही अपने जो मेन रोड से जो जितनी भी रोड है उसकी 25 फीट 30 फीट से इन्होंने मार्गाधिकार दबा लिया गया है, और जो ब्रह्मा मंदिर का जो खसरा नंबर जो 203 है, जो नगरपालिका के नाम है, वहाँ 3 दुकानें निर्मित करके और उनको किराए पे चला रखी है, और तथा जो सावित्री मार्ग पे जो मकान बनाया हुआ 80 फीट का रोड है, वहाँ 20-25 फीट रोड दबा लिया गया है उसके भाई द्वारा, और वहाँ बिल्डिंग बना दी गई। ओम प्रकाश डोले, समस्त कांग्रेस पार्षद। किस किस की शिकायत किसने की और किसकी जांच कर रहे हैं?
ये ओम प्रकाश जी अपने पार्षद को किन की जांच करी है? कमल पाठक के जो भी बिल्डिंग तो आपने आज क्या क्या किया था? नहीं अभी जांच चल रही, तब तथ्य तो बाद में सामने आएंगे सारे। तो आपने जो किया है वो तो बताओ। नहीं अभी तो जांच चल रही है, जांच में सर आपने क्या किस प्रकार करेंगे, नक्शा पास है किसी अकॉर्डिंग होगा करेंगे, गली का और इनका नाप चुप में क्या नाप तो किया, जांच के बाद में सारे तथ्य सामने आएंगे।